हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर? इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाउ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि डे टू डे लाइफ में हमारे घर में जो चीज़ें अवेलेबल रहती है उसमें माइक्रोब्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है चीज़ प्रिपरेशन। अब हम चीज़ प्रिपरेशन की बात करें तो ये कम्प्लीटली हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी नहीं है। कुछ टाइप ऑफ चीज़ है जो मार्केट में हमें इंडस्ट्रीज के थ्रू मैन्युफैक्चर होके आती है, कुछ चीज़ है जो घर में भी अवेलेबल होती है, हम खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ना तो हम इसे कम्प्लीटली उसमें रखते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, ना ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में रखते हैं। सेपरेटली इसे डिस्कस कर लेते हैं चीज़ प्रिपरेशन को। ठीक है, तो क्या करना होता है, जैसे आपने मिल्क लिया तो इस मिल्क के अंदर अब हमें कोई स्टार्टर या इनोकुलम की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनोकुलम या स्टार्टर जो है वो कर्ड नहीं लेना, यहाँ पर आपको लेना है लेमन और विनेगर, यानी हमें एसिड मिक्स करना है। जैसे ही एसिड मिक्स होगा मिल्क के अंदर, वैसे ही क्या होगा, आपके मिल्क की जो पीएच वैल्यू है, एसिडिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज होगी तो आपकी जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाएगी लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और जैसे ही पीएच चेंज होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी, वैसे ही जो इसके अंदर प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन, जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के बारे में हमने जब बात की थी तब मैंने आपको बताया था, तो वो कैसीन प्रोटीन का भी सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उनका सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है तो मिल्क इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड कर्ड एंड लिक्विड वे। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे जैसे दूध को आपने कर्डलिंग करना स्टार्ट किया, जैसे आपने स्टार्टर मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर से कुछ सॉलिड निकल के आया और कुछ लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो गया। जो लिक्विड फॉर्म है उसको हमने बोला वे। ठीक है, और जो सॉलिड है वो हमारा सॉलिड कर्ड हो गया। अब जो ये सॉलिड कर्ड है इसको हम हेल्प करेंगे फॉर मेकिंग द चीज। और जो आपका ये वे है, लिक्विड वे, इट इज वेरी रिच एंड हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आप इस लिक्विड वे को यूज कर सकते हैं, जैसे जनरली हाउस में जब हम चीज बनाते हैं तो इसको हम यूज कर लेते हैं टू मेकिंग द डो। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आपको इतना याद रखना है। अब क्या होता है कि आपको चीज़ के अंदर से वाटर कंटेंट यानी वे या लिक्विड को कम्प्लीटली रिमूव करना होता है। जितना उसके अंदर वे प्रेजेंट है या लिक्विड प्रेजेंट है, उस बेस पे हमारे पास दो चीज़ टाइप की चीज़ होती है, एक तो सॉफ्ट चीज़, एक हार्ड चीज़। सॉफ्ट चीज़ जो है वो इजीली आपके घर में अवेलेबल होती है, डे टू डे लाइफ में आप उसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पनीर। जो पनीर आप यूज़ करते हैं दैट इज़ योर सॉफ्ट चीज़। और उसके बाद आप जो प्लास्टिक्स में बाहर से लेके आते हैं सैंडविच बनाने के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वो चीज़ जो होता है वो हार्ड चीज़ होता है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर वाटर कंटेंट बिल्कुल कम होता है और जो सॉफ्ट चीज़ है इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मेनली हमने दो कैटेगरीज में चीज़ को डिवाइड किया, सॉफ्ट चीज़ एंड हार्ड चीज़, और ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है। उसके बाद स्टार्टर इज नीडेड फॉर द कडलिंग प्रोसेस। कडलिंग प्रोसेस के लिए आपको स्टार्टर चाहिए, और मैंने आपको बताया कि वो स्टार्टर या तो लेमन होता है या विनेगर होता है, बिकॉज वे बोथ कंटेन एसिड। और हमें एसिड की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम वाटर का जो पीएच है उसे हम चेंज कर दें, वाटर के अंदर हम एसिडिक नेचर ले आएं, ताकि जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए और जो केसीन प्रोटीन है वो एक साथ आकर सॉलिडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दें। अब देखो, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो चीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं मेनली। एक होते हैं मेसोफिल बैक्टीरिया, एक होते हैं थर्मोफिल बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफिल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, फिल मीन्स लविंग।
ऐसे बैक्टीरिया जो टेम्परेचर लविंग हो उन्हें हम थर्मोफिल कहते हैं। ये बैक्टीरिया तभी काम करेंगे जब आपका दूध थोड़ा सा गर्म होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, तभी ये बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं टू कन्वर्ट द लैक्टोज इन लैक्टिक एसिड। जो मीजोफिल है ये वो बैक्टीरिया है जो रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं। साइंस की लैंग्वेज में हमारा रूम टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो बैक्टीरिया 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करेंगे उन्हें हम मीजोफिल कहेंगे। ठीक है, आपकी चीज़ का टेस्ट और फ्लेवर, ठीक है, आप देखेंगे कि कोई चीज़ व्हाइट कलर की होती है, कोई येलो कलर की होती है, कोई बिल्कुल येलोइश व्हाइट कलर की होती है, किसी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो आप पनीर बनाते हैं उसके अंदर पोर दिखेंगे आपको, ठीक है, फ्लफीनेस दिखेगी। पर जो आप मार्केट से सैंडविच के लिए चीज़ लेके आते हैं उसके अंदर कोई पोर नहीं दिखाई देते, वो एकदम प्लेन शीट लाइक होती है। ऐसा क्यों होता है? जो फ्लेवर एंड टेस्ट है चीज़ का वो डिपेंड करता है कि किस बैक्टीरिया को आपने यूज़ किया फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क के कन्वर्जन के लिए आपने किस बैक्टीरिया को यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके बनने वाले चीज़ का फ्लेवर कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा और अपीयरेंस कैसी होगी। वो हार्ड होगी, सॉफ्ट होगी, ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? अगर आम भाषा में कहें तो आप देखते होंगे कि जब आपको दूध खट्टा लगने लगे दैट मीन्स द मिल्क इज कन्वर्टिंग इनटू चीज, क्योंकि लैक्टोज जो है वो तो शुगर है तो वो स्वीटनेस प्रोवाइड कर रही है मिल्क को, और धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, सिरका है, ये सब खट्टे हैं टेस्ट में क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो जैसे ही मिल्क में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है वैसे ही खट्टा होने लग जाता है। सेम जैसे आपका दूध है वो मीठा होता है, दही बनता है तो खट्टा हो जाता है, बट यहाँ पर डिफरेंस है इन द स्टार्टर और इनोकुलम। आपने दूध को कन्वर्ट करने के लिए किस इनोकुलम को यूज़ किया है उसके बारे में सबसे पहले डिपेंड करता है। आपके एनसीईआरटी में जो टर्म लिया है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम ब्रोनकोक्टी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए, सो दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम ब्रोनकोक्टी। आप उसका नाम एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। आई होप चीज फॉर्मेशन में आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें लार्ज स्केल पे बनानी है, और जब हमें लार्ज स्केल पे चाहिए, लार्ज स्केल पे बनानी है तो हम उन्हें इंडस्ट्रीज में बनाते हैं अपने घर के बजाय, ताकि हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करा सकें। मेनली जो इसके अंदर आता है वो आते हैं एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेड बिवरेजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो आपके माइक्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोब दैट किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया या फंजाई से ही बनाए जाने वाला ऐसा एक केमिकल है जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। एक चीज जो आपको एंटीबायोटिक के बारे में याद रखनी है वो ये है कि इट वर्क्स ओनली ऑन बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, इसके अलावा वायरसेस, प्रोटोन्स, वायरॉइड्स इनके ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि 90% जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती, और वायरसेस, वायरॉइड और प्रायरॉन्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं। तो आपको याद रखना है केमिकल सब्सटेंसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रोब दैट किल्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। और सबसे बड़ा यूजफुल इफेक्ट माइक्रोब्स का यही होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिनने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था और उसे नाम दिया था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन को हमने डिस्कवर किया था बाय अ फंजाई दैट इज कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम।
इससे हमने इसको आइसोलेट किया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कोई विचार नहीं था एंटीबायोटिक को डिस्कवर करने का, इट वॉज अ बाय चांस डिस्कवरी। ठीक है, बाय चांस ऐसा हो गया कि उनने ये चीज़ डिस्कवर कर ली। वो एक लैब के अंदर स्टेफेनोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, मतलब वो किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे थे और उसके काम के दौरान ये चीज़ उनने डिस्कवर कर ली। तो ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफेनोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, लैब के अंदर। और एक दिन क्या हुआ कि लैब के अंदर जहाँ ये बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे उसे कवर करना भूल गए। कवर करना भूल गए तो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे, आपको पता है कि स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फंजाई के, तो वो फंजाई के स्पोर्स बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ ग्रो कर गए। और उनने देखा कि जहाँ जहाँ पर वो फंगस ग्रो की थी उस एरिया के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी नहीं मिली। इसका मतलब वो फंजाई, दैट वॉज योर पेनिसिलियम नोटेटम, वो कोई ना कोई ऐसे केमिकल रिलीज कर रही थी जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर रहा था। उनने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि द मोल्ड, मोल्ड मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोर्स, दैट ग्रुप ऑफ स्पोर्स वॉज पेनिसिलियम नोटेटम, द मोल्ड रिलीज द सब्सटेंस दैट इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनने ये कंक्लूजन निकाला कि इस मोल्ड से ही कोई ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा है जो इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, और उसको उनने नाम दिया पेनिसिलिन या फिर एंटीबायोटिक जिसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप किया। एंड दिस वॉज द लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स मिली जो अब हम डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज जैसे डिप्थीरिया, टाइफाइड, इन ट्यूबरक्लोसिस, इनके अंदर हम फ्रीली यूज कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसे एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।